बिजनेसमैन राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए हैं। जुलाई में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने पोर्न बनाने और उसे बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वे अभी भी पुलिस की हिरासत में ही हैं। इस मामले में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का भी नाम सामने आया था। सोशल मीडिया पर उनके फोटोशूट्स और वीडियोस काफी वायरल रहते हैं। हाल ही में गहना वशिष्ठ ने खुद का एक न्यूड फोटोशूट कराया है, जिसके साथ उन्होंने एक लंबा चौड़ा कैप्शन भी लिखा है। फैंस को एक्ट्रेस ने कहा है कि ना तो इस फोटोशूट के दौरान उन्होंने कुछ पिया और ना ही उनका यौन शोषण हुआ। यहां तक कि इस फोटोशूट की पेमेंट भी उन्हें टाइम पर मिल चुकी है। गहना लिखती हैं कि हयात रीजेंसी में इस शूटिंग के दौरान हम करीब 20 लोग थे। मेरा कोई यौन शोषण नहीं हुआ, ना ही मैंने कोई ड्रिंक ली हुई है। मैंने सेट पर किसी तरह का जूस नहीं लिया। मैं अपने पूरे होश में थी। मैं ऑटो में सेट पर पहुंची, वापस भी मैं एक ऑटो में आई जो कि सेफ था। मुझे मेरी पेमेंट भी मिल चुकी है। इन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं 18 साल से ज्यादा की हूँ और एक साधारण आर्टिस्ट हूँ, इसलिए आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि 1.5 साल बाद मेरे किसी भी प्रोड्यूसर पर धारा 370, 376 और 354 ना लगाएं। इसके साथ ही गहना ने कई सारे हाथ जोड़ने वाली इमोजी बनाई है। आखिर में एक नोट लिखा कि अगर किसी भी व्यक्ति को मेरी पोस्ट अश्लील या सही नहीं लगती तो वह मुझे अभी ब्लॉक कर सकता है। यह मेरी वॉल है और मुझे पूरा हक है, मैं इस पर कुछ भी पोस्ट कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ, शुक्रिया। बता दें कि गहना अपने इंस्टाग्राम पर हमेशा से ही बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रही हैं। पोर्नोग्राफी केस में नाम आने के बाद से एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ कई बार सफाई पेश कर चुकी हैं। उन्होंने राज कुंद्रा का पक्ष लेते हुए कहा है कि वह इरोटिक कॉन्टेंट बनाते हैं, ना कि पोर्न कॉन्टेंट। इस मामले को लेकर गहना से पूछताछ भी हो चुकी है।